नमस्कार दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम आई टी एडवांस ये क्या कह रहा है कि कंप्लीट हाइड्रोजीनशन ऑफ दी नेचुरल रबर अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा याद हो तो क्या होता था मैं आपको एक बार जल्दी से याद देता हूँ नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता था वो आपका क्या होता था वो आपका होता था आइसोप्रीन यूनिट आइसोप्रीन यूनिट क्या होता था सी डबल बॉन्ड सी मैं हाइड्रोजेंस नहीं लगा रहा हूँ हाइड्रोजन आप अपने आप एज्यूम कर लेना मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ ठीक है तो मैं मैं नहीं दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन अपने आप अपज्यूम कर लेना जैसे यहाँ सी एस थ्री होगा ये सी एस थ्री होगा ये सी एच टू होगा और ये सी एच होगा सो वन so ठीक है ना तो इस तरह से आप हाइड्रोजन अपने आप कर लेना तो ये इसका आइसोप्रीन यूनिट आपका मोनोमेरिक यूनिट होता है अब ये आइसोप्रीन जब बार 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 पॉलीमराइज हो जाता है तो बनाएगा क्या आप अपने मन में एक बार सोच के देखो आइसोप्रीन जब पॉलीमराइज हो जाएगा तो क्या बनाएगा तो मान लो जी आपके पास कुछ ये पड़ा था ठीक है जी इसके बहुत सारे यूनिट्स आपके सामने पड़े हुए थे तो ये जब पॉल्यूमराइज होगा तो क्या बनाएगा जरा अपने मन में सोच के देखो एक बार तो मैं कहूँ पॉल्यूमराइजेशन होगा तो क्या होगा ऐसे यहाँ पे यहाँ भी ये यूनिट्स पड़े होंगे यहाँ भी ये यूनिट्स पड़े होंगे तो होगा क्या ये सब तो होगा ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा होगा ये यहाँ चला जाएगा ये यहाँ चला जाएगा और ऐसे में आपका पॉल्युमराइजेशन हो जाएगा और बनेगा क्या पॉल्युमराइजेशन होकर बनेगा क्या ये समथिंग डॉट 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 सी यहाँ सी ये डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी दिस इज समथिंग डबल बॉन्ड सी देन सिंगल बॉन्ड सी एंड सो ऑन ये बन रहा है ये होता है नेचुरल रबर अब कह रहे हैं इस नेचुरल रबर का हाइड्रोजनेशन आपने कर दिया इसको हाइड्रोजन भी दे दिए, तो हाइड्रोजन दे दिए तो, तो ये सिंपल बस यही बन गया

इथिलीन और प्रोप्लिन इथिलीन क्या है इथिलीन है आपका सी सी। प्रोप्लीन है सी डबल बॉन्ड सी, सी इनका अगर मैं पॉलीमर बनाऊं मतलब कि मान लो मैं इसी को उठाऊं और इसको लेट से मैं ऐसा बोलूं और यहां पे मैं इसको ऐसा बोलूं इनका अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूं एक और यूनिट लिख लेता हूं इनकी इसका करने की कोशिश करता हूँ मतलब तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा ये आगे जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा अगर पॉलिमरेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा पॉलिमरेशन करने से आपका ये बन जाएगा देखें जरा तो क्या ये यही चीज बन गई जो यहां बनी थी देखना हाँ जी ये तो यही चीज बन गई exactly. अगर ये चीज बन गई फिर तो ऑप्शन है, है. तो तो प्रोप्लिन का पॉलीमर बना के दिखा दोन का ब्यूटलीन का पॉलीमर बना के दिखा दो, दो वर्कनाइजेशन तो वैसे ही मैंने मना कर दिया यहाँ पे सल्फर नहीं दिख रहा था वर्ल्कनाइजेशन का कोई सेंस ही नहीं है ठीक है जी तो मैंने तो ऑप्शन नंबर ए चेक किया उसी से मेरा बाद सेट बैठ गया जो आपका हाइड्रोजनेशन करने के बाद नेचुरल रबर का जो आपका प्रोडक्ट आ रहा था वही प्रोडक्ट आपका कहां से आ रहा है एथिलीन प्रोपलीन का पॉलीमर बनाने के बाद आ रहा है दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली ओके सो आई होप आई हेल्पड यू प्लीज सब्सक्राइब करें अमिशेश्या